इसके साथ ही मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, लखपति दीदी योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी योजना और जिसके बारे में अभी रेखा जी कह रही थी नंदा गौरा योजना और मातृवंदन योजना, महिला पोषण अभियान जैसी अनेकों योजनाएं हमने प्रारंभ की हैं। हम महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो हमें करने भी चाहिए। ज्यादा दूर न जाते हुए मैं आप सबको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, जाके हमारे दीवानदा है रामनगर का उदाहरण ले लीजिए। कार्बेट पार्क में अभी तक जो सफारी होती थी वो सफारी केवल हमारे युवक ही करते थे और पर्यटकों को गाइड करते थे, लेकिन अब पार्क में महिलाएं भी पर्यटकों को सफाई करते हुए दिखाई देती हैं। ये बदलता हुआ भारत है, बदलता हुआ उत्तराखंड है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप हमारे प्रदेश के विकास के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध है, और हमारा ये प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक हम अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक अपनी विकास की धारा नहीं पहुंचा देते हैं। तब तक हमारा संकल्प अधूरा रहेगा। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति जो भी प्रदेश का विकास चाहता है वो हमारे इस संकल्प के साथ जुड़ गया है। हमारे विकल्प नहीं, संकल्प की पूर्ति के लिए अपना आशीर्वाद भी दे रहा है, अपना योगदान भी दे रहा है, अपना सहयोग भी कर रहा है और लगातार तत्परता से अपने अपने दायित्वों का निर्वहन भी कर रहा है। मुझे पूरा विश्वास है इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका सहयोग, समर्थन और मुझे और हमारी सरकार को लगातार जैसा प्राप्त होता रहा है वो निरंतरता से प्राप्त होता रहेगा। आज के इस अवसर पर मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए, मुझे पता है कि आप सब लोग आज काफी पहले से यहाँ पर आकर खड़े हैं और काफी समय भी हो गया है, काफी कार्यक्रम लंबा खिंच गया है। इस कार्यक्रम को लगभग 1-1.5 घंटे पहले समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन इतने सारे कार्यक्रम थे कि रास्ते भर इतने सारे लोग थे, इतनी माताएं बहने नौजवान बड़े बुजुर्ग सड़कों पर थे, उसके बाद इतनी सारी विकास योजनाओं के लोकार्पण थे, शिलान्यास थे, उसके बाद हमारी स्वयं सहायता समूह के द्वारा, हमारे अन्य समूह के द्वारा, सरकारी डिपार्टमेंटों के द्वारा जो ये प्रदर्शनियां लगाई गई है, स्टॉल लगाए गए उनका निरीक्षण करने में, और साथ में हमारा जो कन्या पूजन था, हमारी मातृशक्ति के प्रतीक के रूप में, हमारी आदि शक्ति के प्रतीक के रूप में, वो सारे कार्यक्रम होते होते देर हो गई। इसलिए मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए, क्योंकि मेरे पास कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, अगर मैं उसको बताऊंगा तो कई घंटे और लग सकते हैं। आप सब जानते हैं कि जितना भी समय इस प्रदेश के इस दायित्व के रूप में हमारी सरकार को मिला है, हमारे सभी लोगों को मिला है, हमने मिलकर राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए उसका एक एक पल और एक एक क्षण अपने राज्य को समर्पित किया है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि आज प्रदेश के कोने कोने में आज विकास की बात प्रारंभ हो गई है। आज लोग विकास की चर्चा करते हैं, विकास के लिए काम करते हैं। एक संस्कार, एक संस्कृति आज हमारे काम के रूप में दिखाई दे रही है। अभी बहुत सारी चीजों में हमें आगे बढ़ना है, जैसा यहाँ G20 का समिट हुआ, एक सफलतापूर्वक हमने उस 3 आयोजनों को अपने राज्य के अंदर संपन्न किया। अभी हमने अन्य भी बहुत सारे नए कार्यक्रम शुरू किए हैं। हमने जहाँ समान नागरिक संहिता की ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी ने अपना काम कर दिया है, जल्दी हम उस पर भी काम करेंगे। हम नकल का सख्त अध्यादेश लेकर आए हैं, धर्मांतरण के लिए हमने सख्त कानून बनाया है, हमने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 1064 ये एक ऐसा ऐप बनाया है जिस पर भ्रष्टाचार के मामलों पर तत्काल कार्रवाई होगी, क्योंकि हम पारदर्शिता के साथ काम करना चाहते हैं, ईमानदारी के साथ काम करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों कामों को आगे बढ़ाया है। आज मुझे खुशी है पूरे प्रदेश के अंदर अनेक योजनाओं का आज लोकार्पण शिलान्यास हुआ है। यह भी इस बात का प्रतीक है कि हम समेकित रूप से पूरे प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज प्रदेश के 13 जनपदों में आज इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और उन कार्यक्रमों में प्रदेश के विकास की नींव रखी जा रही है, विकास की अवधारणा को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। मैं आज इस अवसर पर कुछ जो काम आगे प्रस्तावित होने उनके बारे में आप सबके सामने कहना चाहता हूँ कि राजकीय बालिका कॉलेज, इंटर कॉलेज काला ढूंगी पर रोड का जो पुनर्निर्माण का काम है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर रानीबाग में
पुल का निर्माण किया जाएगा, शीश महल फिल्टर प्लांट की क्षमता का विकास किया जाएगा। हल्द्वानी क्षेत्र में एक गौवंश के लिए, उनके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण किया जाएगा। अभी अभी जो देश के लिए भारत माता के एक सपूत ने हमारे बीच से, हमारे ही जनपद के संजय बिष्ट जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, सर्वोच्च भारत माता के लिए बलिदान देने का काम किया है। राजकीय इंटर कॉलेज रातीघाट का नामकरण शहीद संजय बिष्ट के नाम से और हली मोटर मार्ग का नाम शहीद संजय बिष्ट के नाम पर किया जाएगा। भाइयों बहनों, इसके अलावा अभी हल्द्वानी शहर, नैनीताल, हमारे अन्य स्थान, चाहे जो भी हमारे जनपद की हमारी जितनी विधानसभाएं, विधानसभाओं को केंद्र बिंदु मानकर उनके विकास के लिए लगातार हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, लगातार उनका एक मॉडल बनाने का काम कर रहे हैं। हमारे माननीय विधायक लोग लगातार जब जब भी मुझसे मिलते हैं अपने क्षेत्र की सारी इतनी सारी योजनाओं को लाते हैं। मैं इन सबको भी बधाई देना चाहता हूँ कि आप सबकी बातों को लगातार आगे बढ़ाने का काम करते हैं। एक बार फिर से मैं आप सभी का अपनी ओर से बहुत ही आज पधारने के लिए धन्यवाद करते हुए, आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, और इतनी बड़ी संख्या में आप आए, आपने मेरा उत्साहवर्धन किया। मैं आपको ये विश्वास दिलाते हुए कि आपकी अपेक्षाएं, आपकी आशाएं और आपके विश्वास को आगे बढ़ाने का काम निरंतरता से प्रयास पूर्वक जारी रखेगा। संकल्पबद्ध होकर, पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर हम अपने प्रदेश को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।